एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग समा लेडीज कॉर्नर न्यूजीशान बिरयानी हाउस के एम आर होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर्स एंड रेडीमेड शोरूम गरुड़ वेग कोरियर सर्विस मूलक ना कलिसबहुदु अप्सरा सिटी शहर से बिल्कुल करीब नवोदय मेडिकल कॉलेज। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, साबिका सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की रहलत पर आज सैयद यासीन साबिका रुकन असम्बली के मकान में एक ताजियती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस ताजियती जलसे में प्रणब मुखर्जी के फोटो पर महिला विंग की खातून कायदीन ने फूलमाला पेश की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगु करते हुए साबिका रुकन असम्बली सैयद यासीन ने कहा कि प्रणब मुखर्जी एक अजीम कायद थे, एक अजीम इंसान थे और बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। इंदिरा गांधी के ख़ास वजीरों में से इनका शुमार होता है और वो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने काफ़ी नुमाया खिदमत अंजाम दी है, जिसकी वजह से वो एक बैनुल अक्वामी शख्सियत बन गए थे। इंदिरा गांधी के अलावा इन्होंने राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया और इनके मियादों में भी वो काबिना में शामिल रहे। आखिर में वो सदर जमहूरिया के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। इन्होंने कहा कि मेरी दो मर्तबा प्रणब मुखर्जी से मुलाकात हुई, उससे कबल भी मैं उन्हें गैलरी में बैठकर पार्लियामेंट में उनकी तकरीरें सुना करता था, लेकिन आमने सामने दो बार उनकी मेरी मुलाकात हुई। एक मर्तबा रायचूर में आईआईटी का मुतालबा करते हुए मैंने उनसे दिल्ली में उनके प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने कोशिश करने का तयकुन देते हुए ये कहा था कि अगर आईआईटी नहीं मिल सका तो ट्रिपल आईटी के लिए वो कोशिश करेंगे। इसी तरह साबिका मरकजी वजीर अला सी के जाफर शरीफ साहब के इंतकाल पर वो बेंगलुरु तशरीफ लाए थे, चूँकि वो उनके करीबी दोस्त थे। इस मौके पर भी उन्होंने मुलाकात करते हुए मेरी रहनुमाई की और कुछ अच्छे मशवरे भी दिए। ऐसे अजीम कायद और अजीम शख्सियत के इंतकाल से मुल्क को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है। इस मौके पर कर्नाटका कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के नायब सदर और साबिका वक्फ सदर मोहम्मद रसूल साहब भी मौजूद थे और इनके अलावा कांग्रेस कायदीन मोहम्मद रफ़ी और सैयद फारूक अरब मोहल्ला और दीगर भी मौजूद थे। Excellency Honorable His Excellency Pranab Mukherjee, उनका देहांत हुआ। एक बहुत बड़े महान हस्ती थे, हमेशा से वो राज्यसभा में आए और पार्लियामेंट भी वो बंगाल से लड़े और इंदिरा जी के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कई पद पर एक्सटर्नल अफेयर्स में ये अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो में सारी दुनिया में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनको हम मेरे खुशकिस्मती है, मैं एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी का सोल्जर, मैं इनको करीब से देखा, गैलरी से इनको बात करते हुए देखा पार्लियामेंट में और ये इंदिरा जी के बड़े कॉन्फिडेंट थे, ये राइट हैंड थे। फिर राजू जी के साथ रहे, फिर नरसिम्हराव जी के साथ भी रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ भी रहे और फिर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और ये इंटरनेशनल फिगर रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने
उनको हम हिज एक्सीलेंसी का, जब वो हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, मैं एक ऑर्डिनरी एमएलए था, मैं उनके पास आईआईटी के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए मैं उनके पास राष्ट्रपति भवन में गया। जब राष्ट्रपति भवन में गया, अकेला था, मुझे फौरी अपॉइंटमेंट दिया गया। वो फोटो यहाँ पर मौजूद है, वो तारीखी फोटो। तकरीबन मुझे आधा घंटा मुझे बात करने का मौका उन्होंने दिया। मैंने आईआईटी के लिए बताया तो उन्होंने कहा कि आप जो पूछ रहे हैं नंजनडुप्पा वर्दी के तहत जिनाइनली पूछ रहे हैं, और आपका हक रायचूर बैकवर्ड एरिया है, उसको मिलना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आईआईटी के लिए कॉम्पिटिशन है ऑल इंडिया में, अगर वो मिलना चाहिए, अगर वो ना भी मिले, ट्रिपल आईटी है, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव है, तो मैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को उन्होंने रिकमेंड किया। उसका जवाब भी मेरे पास आया। मैं जो उनको लिखा था, जो दिया था, वो भी मेरे पास मौजूद है। और ख़ास तौर पर एक उनको लगा मेरी बातों से कि भाई ये इतना हिम्मत करके ये मेरे पास आके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और भी चंद बातें वो मुझे सवालात किए, मैं उसका जवाबात भी दिया। तो फिर उन्होंने अपने बातों में मुझे एडवाइस किए, यानी जो आने वाले जो लीडर्स को जो बताना चाहिए था, तो अपने बातों के ज़रिए उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया। आज भी उनके वर्ड्स मेरे कानों में गूंज रहे हैं। फिर सेकंड टाइम जाफर शरीफ साहब का देहांत हुआ था, तो फिर उनसे इतना अफिलेशन था, इतना ख़ास उनकी दोस्ती थी, क्योंकि वो साथ रहे, फॉरेन ट्रिप्स में भी कई सालों तक जाते रहे, तो वो अफिलिएशन से उनका गुजरने के बाद तमाम फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए तकरीबन आकर बेंगलोर में 2-3 घंटे सबके साथ बैठे रहे। ऐसे कई लीडर भी आए, लेकिन जो प्रणब मुखर्जी जो अपने अफिलिएशन के साथ आए थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे पता लगता है कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, और हर आदमी को वो प्यार से मिलते थे, खासकर नौजवान लीडरों को वो एडवाइस करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो नए MLA हैं, MPs हैं, यंग हैं, तो उन लोगों को ये समझते थे कि ये आने वाला हमारे देश का फ्यूचर है, तो उनको फिक्र थी। और उनके जो इंटरव्यूज़ आज भी आपको पेपरों में मिलते हैं, मेरे पास उनके सारे इंटरव्यूज़ की कटिंग मेरे पास है, तो मैं उनसे पढ़ता हूँ, उससे सीखता हूँ, इनके स्टेटमेंट से, यानी उसके अंदर एक एक सवाल के अंदर एक एक जो जवाब होता है, यानी ऐसे नेशनलिस्ट, ऐसे स्ट्रॉन्ग सेकुलरिस्ट और कंट्री को प्यार करने वाले, डेवलपमेंटल अप्रोच और एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस लीडर, वो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। बहरहाल मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल आज मैं उनको, चंद ही सालों पहले मैं उनको मिलने गया था, आज हमारी बदकिस्मती है, आज फिर वही उनके फ़ोटो के नीचे फिर उनकी ये फ़ोटो लगाकर मैं आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। मैं हमारे तमाम महिला के तमाम जो ये हैं, हमारे एक्स काउंसलर्स हैं, ये डिफिडेंट काउंसलर्स हैं, आचार्य साहब हैं, और हमारे तमाम नौजवान हैं, पूरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और सिटी के अध्यक्ष हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के महिला अध्यक्ष हैं, तमाम महिला के तमाम मेम्बरांस हैं, और माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह MP साहब की कुछ तबीयत नासाज है, तो उनको कॉन्टैक्ट करने में मुझे लेट हुआ, और इंशाल्लाह हम कांग्रेस ऑफिस में भी श्रद्धांजलि करने की हम कोशिश करेंगे। सब लोगों को बुलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाएंगे, और इनके चरित्र के बारे में और इनको खराज अकीदत देना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं इनको दिल से, प्यार से, आज मैं इनको खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। और देखिए, चंद साल पहले मैं उनको मिलने गया था, आज उसी घर में मैं इनकी फ़ोटो लगा के उनका श्रद्धांजलि कर रहा हूँ। दिस इज़ टाइम एंड डिस्टिनेशन इज़ डिफरेंट। तो बहरहाल इनके जो बातें और इनके इंटरव्यूज़ और इनके इनके बुक्स भी हैं, तो मैं चाहूँगा ये जितने नौजवानों को कहीं भी इनके अगर बुक्स मिले, इनके उसके अंदर इंटरव्यूज़ मिले, ये आप उसको पढ़िए, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिलता है। उनकी जो स्टेटमेंटशिप थी, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, एक नेशनलिज्म था, वो बहुत ज़रूरी है।
ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपका आम था उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।